नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिवनाथपुर के विद्यार्थी दिखे अलग अंदाज में। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ साड़ी धोती और पैरों में घुंघरू बांध स्कूल ड्रेस में किया आकर्षक परेड। परेड को देखने के लिए पंचायत के मुखिया समेत भारी संख्या में ग्रामीण थे मौजूद। विद्यालय के प्रधानाध्यापक शैलेश कुजूर ने ध्वजारोहण कर विद्यार्थियों समेत क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह जगह पर झंडोत्तोलन के बाद विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। सीसी प्रखंड मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आदिवासी गांव में राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिवनाथपुर में बड़े ही उत्साहपूर्वक और धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने भारत माता, महात्मा गांधी और देश के वीर सैनिक के रूप में नजर आए। आगे आगे भारत माता, बीच में महात्मा गांधी, सुरक्षा को लेकर सैनिक, उसके पीछे विद्यालय का परेड टीम, जो की लाल पार साड़ी पहने सफेद रंग की धोती और उसके पीछे विद्यालय पोशाक में विद्यार्थी अपने ग्रुप झंडा के साथ देशभक्ति गीत गाते हुए परेड कर रहे थे। पंचायत के मुखिया फ्लोरेंस देवी ने सभी शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा खेलकूद गीत संगीत में निपुण करते रहे। प्रधानाध्यापक शैलेश कुजूर ने कहा कि विद्यार्थियों में सीखने की ललक है, जिसको लेकर दिन रात कड़ी मेहनत कर हर संभव सिखाने का प्रयास किया जाता है। सीधे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से लाल पार साड़ी पहने सफेद रंग की मोजा व काली जूता सहित देशभक्ति गीतों में आगे बढ़ते हैं। वहीं देखिए बैंड और पारंपरिक वाद्य यंत्र भी दिख रहे हैं। वहीं क्षेत्र की सभी लोग भी उनको धन्यवाद देने के लिए ताली की कड़कड़ाहट से उनका मनोबल को बढ़ा रहे हैं।